लाइफ में कभी नहीं देखा था ये सब। और ये एशिया का सेकंड टॉलेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास भी घूमने का ज्यादा आसपास देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरे मैसूर ट्रिप का सेकंड डे है। सेकंड डे हम कैसे एंजॉय करने वाले हैं वो हम आपको पूरा दिखाते रहेंगे। और मेरे फर्स्ट डे के ट्रिप में आप देख सकते हैं मैंने उसमें ब्लॉग बनाया हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स दी है कि मैंने फर्स्ट डे क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गई, कैसे उसको स्पेंड किया। अब सेकंड डे है आज मेरा, तो आज मैं यहाँ के फेमस विजिटिंग पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर विजिट करूंगी और आपको उसके बारे में बताऊंगी कि वहाँ की ये सारी चीजें क्यों फेमस है, क्या है उनकी हिस्ट्री, ये सारा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तो फिर अब चलते हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम पूरी तरह से रेडी हैं। अब देख सकते हैं हम सब रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं अपने विजिटिंग पॉइंट्स पर। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी कि हमने कहाँ कहाँ विजिट किया और क्या क्या देखा। यहाँ का वेदर इतना गंदा है इस समय कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, आप लोग देख सकते हैं। और बस अब हम लोग निकल चुके हैं, तो देखिए जितना भी हो सकता है उतना आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास भी घूमने का ज़्यादा टाइम है। देखिए हम इस विजिटिंग पॉइंट पर जा रहे हैं, फर्स्ट ये चामुंडी हिल्स है और आप यहाँ से देख सकते हैं। लोग बताते हैं इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर 18 शक्ति पीठों का एक है जिसे चामुंडी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये हिल्स पर है, आप देख सकते हैं हिल्स पर। बस अब इसी रोड से हम ये हिल्स पर पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे कैसा है मंदिर और मंदिर का दृश्य कैसा है अंदर से। यहाँ का रोड आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा पतला है ना कि कोई भी गाड़ी आ रही है तो बहुत सेफ्टी के साथ चलाना पड़ रहा है क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। तो हम लोग बहुत आराम से जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर टेंपल का रास्ता दिख गया है कि एरो बना हुआ है कि आगे जाना है हमें, तो बस धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। ऊपर आते वक्त तो इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा है बट जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना तो वाकई में हमें लग रहा है कि हम बहुत हाइट पर आ गए क्योंकि सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं। देखिए यहाँ का व्यू, हम हील्स पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं नीचे का नजारा कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अब हम पार्किंग एरिया में आ गए हैं जहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर आगे हमें पैदल ही जाना होगा। हम मंदिर के पास आ गए हैं और यहाँ छोटी छोटी सी ऐसी शॉप्स लगी हुई है। ये देखिए हम मंदिर के काफी करीब हैं और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ बीच में आप देख सकते हैं बहुत सारी शॉप्स हैं छोटी छोटी और बहुत सुंदर लग रही हैं। ये देखिए छोटे छोटे से खिलौने हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू है। यहाँ पर हमने अपना प्रसाद भी ले लिया है, जो मंदिर में हमें चढ़ाना था वो हम कैप्चर नहीं कर पाए और कितनी ज़्यादा धूप है कि हमारे पैर भी जल रहे हैं और हमें चप्पल यहीं उतारनी थी। सुंदर सुंदर सामान है, छोटे छोटे से बुद्ध के आइटम्स कितने अच्छे लग रहे हैं और ये देखिए सुंदर सुंदर लगी हुई है। ये देखिए पर मंदिर काफी यहाँ से अच्छा है। आयु का क्या है, आयु हर जगह जाके कुछ ना कुछ करने लग रहे, लौट क्या क्यों मंदिर पहले देखिए हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम फाइनली ये मंदिर का लड्डू लेकर आ चुके हैं बाहर और अंदर बहुत भीड़ थी इसलिए अब हम यहाँ ये लड्डू, ये देखिए ये लड्डू जो यहाँ का कर्नाटक का स्पेशल होता है हर मंदिर में मिलता है, ये लड्डू हैं और अब हम इंजॉय करने वाले हैं। तो ये लीजिए आगे और ये देखिए आयु फर्स्ट आयु का एंड सेकेंड बाई दीदी का हमारा।
इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हमने सोचा चलो नारियल पानी पी लेते हैं, हेल्दी भी है और अच्छा भी। और आई हूँ यहाँ, ज़िद कर रहे हैं कि इसको कटवा दीजिए, मुझे नारियल खाना है। मैं तो फ़ोन अलाउ नहीं था तो हम नहीं अंदर बना पाए वीडियो, और बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मंदिर कैसा दिख रहा है। और यहाँ पर ना आस पास इतनी ज़्यादा दुकान लगी हुई हैं, मेरे बैक साइड में भी खाने पीने का था। और रोड पर ना पैर इतना तेज़ जल रहा है, बहुत तेज़ धूप है और मेरा पैर ना जल रहा है, क्योंकि हम लोग चप्पल वहीं उतार कर आए थे जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। आगे भी बहुत सारी दुकान थी पर हमें आइडिया नहीं था कि हम आगे भी उतार सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक काऊ आ गई और सब डर के भागने लगे, तो मैं बच गई वरना मुझे भी चोट लग जाती। तो बस यही सब था, बट ओवरऑल ना मंदिर का बहुत अच्छा है अंदर से, और मंदिर के दर्शन करके ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। गर्मी बहुत ज़्यादा, क्या परचेज किया है और आइए स्माइल कर रहे हैं। ये देखो हमारे दर्शन कम्प्लीट हो गए। और दीदी दीदी आपने क्या खरीदा है दिखाइए, ये देखिए, ये चल के ये देखिए आयु ने परचेज किया है। और भी खाइए, डैडी ने ये कार में लगाने के लिए लिया है, ये ऐसे रोटेट होता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा है। अब हम चलते हैं घर की तरफ, जा रहे हैं अपनी कार पार्किंग जहाँ की थी वहाँ से कार लेंगे। और देख सकते हैं हम आ गए, शॉपिंग के चक्कर में लेट करवा दिया, सामान खरीदना ये करना वो करना। और सच में इतनी धूप थी ना कि पूरा पैर जल गया है, और अभी भी जब हम चल रहे हैं ना चप्पल पहन के तो दुख रहा है पैर, दीदी का भी मेरा भी। पूरा का पूरा पार्किंग एरिया खाली हो चुका है, देख सकते हैं आप, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और बाकी सारी गाड़ियां जा चुकी हैं यहाँ से। कितना सुंदर है यहाँ से, ये देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये देखिए हील पे हूँ मैं, और ये देखिए आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ, ये देखिए नज़ारा दिखाती हूँ कितनी हाइट पे है ये। और मैं यहाँ इस समय यहीं से मैं दर्शन करके वापस आ रही हूँ, बस ये बैक साइड देख सकते हैं, सब भी ये हाइट से यहाँ पे इसको देखने आ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट विजिटिंग पॉइंट है चर्च, जो कि बताते हैं मैसूर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है। ये एशिया का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जिस चर्च है जो कहा जा सकता है। और आज हम यहाँ आए हैं, ये एशिया का सेकंड नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा लंबा चर्च है। बाहर से देखने में इतना सुंदर लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पर मैं ऊपर तक जा सकूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। और इन्होंने यहाँ पर पीछे एक पार्क बनाया था जो कि बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया टाइप था, तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे ताकि बच्चे बोर ना हो। आयु यहाँ सो गए हैं, अब दीदी ये आयु सो रहे है। हाँ, बोलो सो रहे। निन्नू खत्म हो गई, ये देखिए सोने का नाम जैसे लिया मैंने, ये गाड़ी में सो गया था और अभी उठ गया है। आयु कहीं भी जाता है ना हमेशा सो जाता है। और ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं चर्च के, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति है ना कि मन कर रहा है बस यहीं पर बैठे रहे। और वाकई में चर्च अंदर से ना इतना खूबसूरत है, पता नहीं आप लोग वीडियो में अच्छे से देख पा रहे हैं या नहीं, बट अंदर से वाकई में चर्च इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि बस मन कर रहा था यहीं पर रह जाऊँ। और यहाँ पर नीचे एक गुफा टाइप थी कि क्या था पता नहीं, पर हम नीचे जा रहे थे और हमने देखा यहाँ पर जीसस भगवान का एक घर टाइप का बनाया हुआ था, जहाँ पर वो उनके सोने से लेकर खाने पीने का सारी व्यवस्था थी। और यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, हम सब यहाँ पर बहुत आराम से देख रहे थे। और ये हम नीचे गए जहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही थी, वहाँ पर एक ऐसा बनाया हुआ था ना, पैसे अगर आपको डालने हैं डोनेट करने हैं जिसको, तो ये देखिए भगवान सो रहे हैं यहाँ पर, और जो मैंने अभी बताया था आपको। और ये एक केव था, यहाँ पर आप पैसे डालेंगे तो ये नीचे जाएगा डायरेक्टली पैसे, जहाँ से पैसे कोई इजीली निकाल नहीं सकता है, मतलब जो यहाँ के ओनर हैं या जो केयर टेकर हैं वही निकाल सकते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे। और अब हम लोग बाहर निकल रहे थे दर्शन करने के बाद, और ये पीछे का रास्ता था जहाँ से हमें बाहर निकलना था, ये बाहर का एरिया जहाँ पर जीसस गॉड थे और छोटी छोटी सी मूर्तियाँ वहाँ लगाई हुई थी जीसस गॉड की। और यहाँ पर मैं बिल्डिंग ही देख रही थी कि मुझे बस ऊपर जाने का मौका मिल जाए एक बार बस। ये इसी कैंपस में यानी इसी चर्च में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये स्कूल भी है
जो कि क्रिश्चियंस का है, सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और इसी बिल्डिंग में है ये। और बहुत सुंदर है ये जगह, देख सकते हैं ओवरऑल आप, ये देखिए व्यू कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये जाने के लिए रास्ता बनाया है और बहुत सुंदर सी, ये देखिए एक गुफा टाइप बनाया है और कितना सुंदर लग रहा है। आगे बढ़कर ना हमें गुफा टाइप का और ये दिखा, जहाँ पर अंदर जाने पर हमें पता चला कि जो कैंडल्स वगैरह है वो यहीं पर जलाई जाती है, और जो चर्च मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पर कैंडल्स जलाने का कोई मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ नहीं जला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी गॉड थे, बहुत सारे गॉड यहाँ पर लगे हुए थे और उनको दर्शाया हुआ था कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पर हम कैंडल्स जलाने के लिए आए थे कि यहाँ पर हम कैंडल्स जला देते हैं, तो हमने क्योंकि कैंडल्स ऑलरेडी ले रखी थी और हमें पता नहीं था, हम वहाँ देखकर थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो गए थे कि हम कहाँ कैंडल्स जलाएंगे, तो हमें आगे चलकर पता चला कि हम यहाँ कैंडल्स जला सकते हैं। बट यहाँ पर ना हमें फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पर यहाँ पर जो केयर टेकर थी यहाँ की, उनसे हमने परमिशन लेने के बाद ही यहाँ पर वीडियो बनाया, और उन्होंने बोला कि ठीक है बना लीजिए पर शांति बनाए रखिएगा, ज़्यादा शोर शराबा ना हो। तो हमने कहा ठीक है और हमने उसको मेंटेन किया, और यहाँ मेरी बेटी कैंडल जला रही है और उसके बाद ये लोग थोड़ी शैतानी वैतानी कर रहे हैं। तो बस यहाँ दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल आए, और आयु को बहुत जल्दी थी कि हमें बाहर जाना है। हम आ गए, ये हमारा थर्ड विजिटिंग पॉइंट है जहाँ हम आए हैं, और ये मैसूर पैलेस के नाम से बहुत ज्यादा ही फेमस है, आप जानते होंगे, आप में से कितने लोग यहाँ आ भी चुके होंगे। चलते चलते हमें लग गई भूख और हमने खाया केक। कितने लोग मैसूर पैलेस आ चुके हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बढ़ चुकी है और यहाँ हम अपने महल की तरफ आ गए हैं, ये हमारा महल। यहाँ की भीड़ देखकर तो लग रहा था कि हम आज देख पाएंगे इस पैलेस को या नहीं, पर होपफुली कि हम पूरे जो महल का घूमना था वो आज ही कम्प्लीट कर पाए। और इन दोनों की बातें चल रही हैं, मस्ती चल रही है, और आयु को देखिए, आयु आयु अपनी शैतानी में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। हम आ गए मैसूर पैलेस, और ये पैलेस देख सकते हैं, जो डैडी जा रहे हैं रखने के लिए, ये जमा हो गया और आप पैसे लेंगे। ये आए हैं हम लोग, हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह यहाँ मिलकर हम दिखा रहे हैं आपको कि हाथियों को कैसा शर्ट्स पहनाए जाते थे। लाइफ में कभी नहीं देखा था ये सब, और आज मुझे देखकर लग रहा है कि हाँ मूवीज़ में जो मैंने देखा है ना, राजा महाराजा वाली मूवीज़ होती हैं, उसमें कैसे आभूषण पहनाए जाते थे हाथी वगैरह को, तो मुझे वाकई आज देखकर बहुत अच्छा लगा। हाथी डैडी और दीदी कुछ जानकारी वे टू पैलेस एंट्री, और यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। देखिए एंट्री से पहले एक शॉप है और ये एंट्री है, हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस के लिए। यहाँ पर ना दो तीन बार आपके बैग्स चेक होते हैं, ये देखा जाता है कि उसमें कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो नुकसान दे। आयु चला गया बाहुबली बनने, बोल रहा मम्मा मैं बाहुबली हूँ, मैं उसको उठा के पटक दूंगा, और इसकी शैतानी चालू है। आयु ये क्या है? भुया के बाल। भुया के बाल। और दीदिया वेट कर रही है अपनी भेलपुरी का। इनमें लगे हैं लाइटिंग शो के लिए रेडी, बहुत लंबी क्यू लगी हुई है देख सकते हैं वहाँ, और यहाँ पे लाइटिंग शो होगा, तो हम यहाँ कुछ खाने के लिए लेने आए हैं। हम भी जा रहे हैं डैडी के पास, और दीदी भेलपुरी ले चुकी है, और आयु गुड्डे का बाल खाते हुए आ रहे हैं। लाइट शो देखते देखते हमें रात हो जाएगी, तो इसलिए बस अब हम कुछ खाने को लेकर अब जा रहे हैं। पीछे से आयु आवाज दे रही ना, कहीं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि हमें एक दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा विजिटिंग पॉइंट्स कवर करने थे। यहीं पर लाइटिंग शो होगा जिसके लिए एंट्रेंस है, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं, दीदी यहाँ वेट कर रही है कि डैडी आ जाए, फिर हम लोग अंदर जाएंगे लाइटिंग शो देखने के लिए। डैडी टिकट लेके आ चुके हैं और अब हम चलते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर लेजर लाइट शो होगा जो कि हम अभी देखेंगे। ये महल के बैक साइड है, इसी महल में गए थे हम लोग ना, और अब लेजर लाइट शो होगा यहाँ पर, तो अब हम लोग बस अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं
और आयु को देखिए। अब हम लोग जा रहे हैं लाइट के लिए। लाइटिंग शो का जो व्लॉग है मैंने अलग से बनाया हुआ है ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना होइए, तो आप लोग वहाँ पर जाकर अलग से सेपरेट लाइट शो का व्लॉग देख सकते हैं। जितना ज़्यादा खूबसूरत ये पैलेस दिन में था उससे कई गुना ज़्यादा पैलेस खूबसूरत रात को दिख रहा है। वाकई में मज़ा आ रहा है देखने में। शो है और बस हम जा रहे हैं। हाँ पर सब लोग ना अपनी अपनी चेयर ले जाकर आगे बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि सब आगे बैठ जाए तो ताकि उन्हें शो अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर थोड़ा टाइम था तो हम बस ऐसे ही घूम रहे थे और आगे पीछे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग मेरा लाइटिंग शो वाला व्लॉग देख सकते हैं जो कि मैंने सेपरेटली बनाया है और आपको मैंने अभी बताया भी। तो बाय बाय फ्रेंड्स।